देखने बैठा जाता या नहीं। हेलो अल्लाह अकबर, देखने हम गोकी बंद है। खोपी पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो हमारे इधर नेटवर्क जो है ना इतना ख़राब है कि आपको क्या बताऊं। मतलब कि जैज़ की सर्विस बिल्कुल नहीं आती, जों की सर्विस बिल्कुल नहीं आती। वीडियो अपलोड करने के लिए मैं इतनी दूर आता हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई गाँव नहीं है। गाँव से मैं काफ़ी दूर आया हूँ, तो यहाँ पे चल फिर के ना, ये आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा, इस जगह पे चल फिर के तो फिर वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं जैज़ का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इतना बेकार नेटवर्क हो गया कि आपको क्या बताऊँ। अभी वीडियो अपलोड किया तो गुस्से के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको बताऊँ कि जैज़ जो है ना ये जैज़ जैज़ नहीं कर रही है, अभी नजायज़ कर रहा है। ये खोती नई नई लेके आए हम, ये देख रहे हैं कि इन सब जानवरों का चारा जो है इस पर अभी आएगा। तो ये बोरी जो है इसमें हम लेके आए जी तूड़ी, क्योंकि इसके ऊपर हमने वेंगा एक होता है जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा है, ये इसके ऊपर रखेंगे ताकि इसकी हड्डियां जो निकली हुई हैं ये इन पे वेंगा जो है वो ना लगे, नहीं तो ऊपर से सब जो है ये मतलब के ज़ख्मी हो जाएगी। तो ये लेके आए हैं, जवेद और कावरन दोनों गए हुए हैं, ये लेके आए हैं बहुत मुश्किल से, नहीं लेके आए हैं। तो ये अगर इसका व्लॉग आपने देखना है इसको लेके आने का, तो वो कामरान के चैनल पे है, क्योंकि मैं नहीं था गया। अभी इसको साथ लेके जाएंगे, ये होगा एक खोती और एक खोता, दोनों लेके जाएंगे और इस पे चारा जो है अपना नेपरा ग्रास चरी वो लेके आएंगे। बहुत मज़ेदार और फनी 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 सीन जो वो होगा। तो अभी इसको लेके चलते हैं, ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा है इसलिए दो लेके जा रहे हैं, ये खोती है और एक खोता लेके जा रहे हैं, ताकि अगर ये नहीं भी लेके आएगी तो उस पर लेके आ जाएंगे। तो जहाँ कौन कौन रहे हैं, ये सब पार्टी जो है ये जा रही है, मैर है, कामरान है, जवेद है, और अभी इंतज़ाम किया जा रहा है इसमें तूड़ी जो है इसके ऊपर रखने के लिए। देखने बैठा जाता या नहीं। हेलो चल ला, चल ऐसे तरह ही ला, चल हूं थले ना उतरी, ओवे उत्ते चल, उन थले तार, थले तार नू देला साथे दा ही रात दे, ओ थले तार उत्ते किथे चढ़ लिया समान ले आए हैं। और ये नेपरा ग्रास चरी आप देख रहे हैं कि इसमें हम आ गए हैं, तो अभी खोती और खोता दोनों आएंगे, तो दोनों पे लोड करके लेके जाएंगे। कामरान और जवेद अभी नहीं आया, मैं और मेहरा आ गए हैं, तो अभी इंतज़ार हमें उनका, वो आएंगे तो फिर जो है हमें अपना ये चारा जो है ये काट के लोड करके उस पर लेके जाएंगे। बहुत फ़नी व्लॉग होने वाला है, क्योंकि जो हम खोती नहीं लेके आए हैं वो अपने ऊपर ना किसी को बैठने देती है और ना ही वो चारा लोड करने देती है। फ़नी व्लॉग के साथ वो आएगी, उस पर लोड करेंगे, आप भी देखना कि किस तरह वो मतलब कि तड़पती है। तो अभी वो आएगी तो फिर आपको दिखाएंगे सारा कि किस तरह उस पर चारा रख के लेके जाएंगे। खोती नहीं आती, खोता नहीं आता, नहीं खोता उन्होंने छावा का, कहते ही दोए खोती तो खोता लिया तो है। ये वेंगा इसके ऊपर रख के लेके आए हैं, अभी ये पता नहीं लेके जाती है या क्या करती है, ये वही बोरी जो इसके ऊपर रखी थी, अभी देखते हैं ये किस तरह लेके जाते हैं। ये सामने आपको नेपरा ग्रास चारा जो वो नज़र आ रहा होगा, ये सब अभी इस पे लोड होके घर जाएगा। चारा जो है वो जवेद काट रहा है अकेला ही, क्योंकि खोती आई है एक ही, दो आती तो फिर हमने दो तीन जनों ने लग के तो ये काम मुका देना था, लेकिन अभी सिर्फ जवेद अकेला ही काट रहा है, क्योंकि अभी एक पे लेके जानी है, वही रूटीन जवेद सुबह, मैं सुबह और जवेद शाम को, अभी शाम का टाइम है तो जवेद इस पर पहले ले जाएगा, दूसरा चक्कर जो वो मैं लगाऊंगा, फिर मैं काटूंगा, मैं लेके जाऊंगा। नवी खोती लिया जी 1.5 लाख रुपए की, तो हम देखने 1.5 दिन पट्ठे खड़ दी है कि नहीं। अल्लाह अकबर, देखने हम गोकी बंद है। खोपी पास है। बन फटोफट यार पार लगे था खोती नू, बड़े पट्ठे ने इधरों की कड़ के फटोफट फड़ा उन्होंने, खलाओ खलाओ खलाओ, क्योंकि इन वजन बहुत है यार, खलाओ खलाओ, बन 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 फटोफट, बन दे बन दे बन दे, इधरों कड़ के फिर फड़ा उन्होंने, उधरों खलो
ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਛੜੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਫੜਾ ਉਧਰੋਂ ਸਹੀ ਬੰਨੋ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤਰ ਬੰਨ ਦੇ ਦਸਤੀ ਬੰਨ ਦਸਤੀ ਬੰਨ ਸਿਰ ਉਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲੇ ਹੁਣ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੋ ਪਰੇ ਹੋਇਓ ਤਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਏ ਰਮਾਨ ਨਾ ਜਾਈ ਰਮਾਨ ਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐ ਫੜ ਤੇ ਦਸਤੀ ਆ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਛੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤੀ ਆਇਆ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਠੇ ਬੋਤੇ ਨੇ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਆਈਏ ਥੋੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਢਾਂਗਾ ਖੋਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਯੇ ਹਮ ਆਜ ਹੀ ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਯੇ ਵਲਾਗ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੋ ਕਾਮਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗਿਆ ਹੁਆ ਥਾ ਜਵੇਦ ਗਿਆ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੋ ਵੋ ਕਾਮਰਾਨ ਕੇ ਵਲਾਗ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਰਾਨ ਕੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਹੋਗਾ ਤੋ ਅਭੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹਮ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਭੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾ ਦੂਰ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਚਰੀ ਕਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭੀ ਮੈਂ ਕਾਟਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਜੋ ਕਾਮਰਾਨ ਜੋ ਖੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਲੈ ਜਾਏਗੇ ਆਪਣੀ ਨੈਪਰਾ ਗ੍ਰਾਸ ਚਰੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬਸ ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦੇ ਤੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸੇ ਇਹ ਬੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇ ਹਮ ਇਸਕੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਭੀ ਜੀ ਜਵੇਦ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੋਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਉਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਹੋ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਦੇਖੀ ਫੇਰ ਚੋਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਂਝ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਸ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋ ਕਰ ਲਗਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਆਹੋ बहुत हिम्मत है जी खोती की यहाँ से 1 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है हमारा घर तो यहाँ से खोती एक ही सांस में घर तक जो है वो पहुँच गई है जवेद बता रहा था कि वो जो ऊपर से बांधा था खोती के वो जब कामरन खोलने लगा तो वो ज़ोर से खोला वो थकी हुई थी पहले ही तो वो हिलके ना तो गिर गई है वैसे अल्लाह के शुक्र है कि वो बचत हो गई है उसके कहीं चोट वगैरह नहीं लगी मतलब कि वो जो ऊपर बैंगा रखा हुआ था वो उसकी टांग के ऊपर आ जाता या कुछ हो जाता तो चोट लग सकती थी लेकिन अभी वो कह रहा है कि जितना मैं लेके आया हूँ उससे थोड़ा सा कम ही ले आओ तो काम चल जाएगा अभी काटते हैं और कामरान जो है वो फिर खोती लेके आएगा उस पर लोड करके लेके जाएंगे हमारा अभी चारा घर लेके जाने का इंतज़ाम जब वो अच्छा हो गया आसान हो गया आपको पता है कि जो पिछले सीज़न के चारा था वो सब हमने मोटरसाइकिल पे लेके गए हैं और एक महीने का तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया हमारा लगता था तेल पे और इस दफ़ा जो है 7 हज़ार रुपये की खोती लेके आए हैं और फ्री काम होगा पूरा महीना अभी काटते हैं और करते हैं शुरू तो इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं अपने भाई को दो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।